टू व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिज़्ज़ो ईमान में होंगे और अपने प्यारों के साथ होंगे, रोज़े रख रहे होंगे और खुश होंगे और अल्लाह की रहमत आप लोगों को ढापे हुए होगी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे और अपने प्यारों के साथ होंगे और खुश होंगे और रोज़े रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक रिव्यू लेके आई हूँ। देखिए किस चीज़ का रिव्यू है, वो है नारंगी उपटन का रिव्यू है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली एक उपटन है, ठीक है, नारंगी उपटन फॉर स्किन ब्राइटनेस, ठीक है, स्किन को ब्राइटनेस करता है, सॉफ्टनेस और फ्रेशनेस करता है प्लस। और सबसे ओवरऑल बात जो है इसकी प्राइस बहुत ही कम है, ये आप लोग प्राइस देख सकते हो, ओनली 110, ठीक है, ये इसकी प्राइस है। लेकिन इसका रिज़ल्ट इसकी प्राइस के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। यकीन करें ये ब्राइडन के लिए और इवन के आप लोग आम रूटीन में भी इसको लगा सकते हो, आम रूटीन में। और जैसे आप लोगों को के पास जैसे कोई इवेंट आ जाता है, आप लोगों को जाना है किसी शादी में, किसी भी फंक्शन पे जाना है, तो आप इसको कोई 5 से 10 दिन पहले इसको इस्तेमाल करना चाहें, इस्तेमाल करना स्टार्ट करें और फिर इसका रिज़ल्ट देखें। इसका इस्तेमाल क्या कैसे होना है, कैसे इसका वो है, क्या चीज़ है, ओवरऑल आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इसका ओवरव्यू जो है देने लगी हूँ। नारंगी उपटन इसका नाम है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट किस चीज़ के लिए है, ब्राइटनेस के लिए, सॉफ्टनेस के लिए और फ्रेशनेस के लिए। प्राइस इसकी मैंने 110 आप लोगों को दिखा दी हुई है, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये किस तरह का होता है, बेसिकली जैसे होममेड भी बनाते हैं उस तरह का उपटन है, ठीक है। ये इस तरह की आप लोगों को मिलेगी, ये थैली टाइप, इसके अंदर मैंने तो इसको खोला हुआ है एक तो, बल्कि ये देखें, ये एक मैं बेसिकली मेरे पास ये दो थी और एक जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ और उसमें ये थोड़ा सा रह गया, और जबकि ये दूसरी वाली जो है और इसमें अभी है, तो वो जो थोड़ा सा रह गया था वो भी मैंने इसी में कन्वर्ट कर लिया। और ये आप देख लें, ये थैली टाइप में है इसमें, और इसमें ये येलो कलर का जो है पाउडर और ये उपटन जो है बना हुआ है। इसका इस्तेमाल कैसे करना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ और फिर आप इसका जो है इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट में इसका अपना जो है फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए तरीके की तरफ हम लोग चलते हैं कि कैसे क्या इसका मेथड है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। नारंगी उपटन को बकदर ज़रूरत लें, ठीक है। इसका तरीका जो है सब कुछ जो है ऊपर लिखा हुआ है, इसको ज़रूरत के मुताबिक आपने ले लेना है। अगर आप हाथों पर लगाना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक, अगर आप इसको हाथों और जो है अपने मुंह दोनों पर, अपने फेस और हैंड दोनों पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसके मुताबिक उसकी क्वांटिटी जो है ले सकती हैं। तो नारंगी उपटन को जो है आप लोगों ने ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है। और इसको किस किस चीज़ में आप लोग मिला के लगा सकते हैं, इसको दूध, अर्क और अर्के गुलाब या फिर अर्के केवड़ा में। और अगर ये आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली सबसे ईजी जो है इसको सादा पानी इतनी मिकदार में मिलाए कि हमेशा गूंधे हुए आटे की मान बन जाए, ठीक है। जैसे ही वो आटा नहीं हम गूंधते उस तरह का हमेशा बन जाए, उस कदर आपने पानी, अरके गुलाब या इसमें दूध या अरके केवड़ा जो है मिला लेना है, ठीक है। रात को सोने से बेहतर ये हमेशा 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने क्या करना है, मल लेना है, ठीक है। अच्छा, बाद ऐसा चेहरा साफ पानी से आप लोगों ने धो डालना, ठीक है, धो देना है। अगर साबुन इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो कम अज़ कम 1 घंटे के बाद मलना है, फ़ौरन से आप लोगों ने इस पर साबुन जो है अप्लाई नहीं करना, ठीक है। सुबह को हसबे मामूल आप साबुन से चेहरा जो है अपना धो सकते हैं। नारंगी उपटन में जो जो चीज़ें हैं या इनके असरात हैं वो है, ये क्या करता है जो चेहरे पर जो है कुदरती निखार, दिलकशी, शगुफ्तगी, हुसन पैदा करते हैं। दाग धब्बों, कीलों, झुर्रियों का बेहतरीन इलाज है, ठीक है। उपटन जो है आप लोगों को पता ही है ब्राइडल के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एक बेहतर रिज़ल्ट के लिए। तो उन लोगों ने जो है जिसने भी ये बनाया माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा वो बनाया है, बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट और इफेक्टिव जो है उपटन हमारे लिए बनाया हुआ है।
मेरा तो मशवरा यही है कि आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और नीचे इसकी जो है क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं वो भी बताई हुई है, क्या क्या चीज़ें बना मिलकर जो है ये चीज़ जो है बनी है। गुलाब है ठीक है, उसमें हल्दी है, संदल है, गुल चार सिंगार, उसमें यूसुफ है ठीक है। और यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चमेली, बादाम, सरसों, तिल की गुठी जैसे ठीक है। ये मतलब कि मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें जो हमारे निकार में, हल्दी जो है जैसे आपको पता है, संदल और हुस्न, ये सभी कितनी बेस्ट होते हैं हमारी स्किन के लिए और हमारे उसके लिए मतलब ब्राइटनेस के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने सारी इस उपटन में भी मिलाई हुई हैं। साबुन हमेशा के लिए भूल जाएं, इसका एक जो नोट उन्होंने दिया हुआ बहुत ही मज़े का है, साबुन हमेशा के लिए भूल जाएं, चेहरे को गोरा रखने के लिए नारंगी उपटन रोज़ाना लगाएं ठीक है। ये उन्होंने एक नोट दिया हुआ ठीक है, ओके हम लोग लगा लेंगे। तो बेसिकली आप जो है इसको अच्छे से देख लें क्या इसकी शक्ल है ठीक है। ये कुछ इस तरह का नज़र आते हैं। प्राइस इसकी दोबारा से देख लें, इसका ओवरऑल मेथड मैंने बता दिया है। और मैं इसको जिस चीज़ से अप्लाई करती हूँ वो है अर्के गुलाब, क्योंकि अक्सर जो है दूध भी नहीं होता घर में, अगर नहीं होता तो। और सादा पानी से मैं कहती हूँ कि हाँ कर लेती हूँ कभी जब ना हो तो, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसके लिए जो है ये छोटी बोतल जो है अर्के गुलाब की रखी हुई है। आप लोगों को पता है ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है बहुत ही। अगर आप इसको सिंपली अर्के गुलाब से ही अपना फेस जो है थोड़ा मतलब से थोड़ा वो कह लें रब या मसाज टाइप कर लें तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो मैंने आज आप लोगों को नारंगी उपटन का बहुत ही जो है कंप्लीट ओवरव्यू दिया है ठीक है। और किसी दिन मैं इसको आप लोगों को अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, तो वो जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। अभी आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई और न्यू वीडियो और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।